दुर्ग के कसारी डिहवाड़ में बंदरों को आतंक देखने को मिला। ये सभी बंदर कहां से आए इसका पता नहीं चल पाया है। बंदरों के आतंक की वजह से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं आज फिर से एक महिला को घायल किया गया। दुर्ग शहर में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार देखने को और सुनने को मिल रहा है, जिसके चलते लोग गंभीर रूप से घायल होकर जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को दुर्ग के कसारी डीह वार्ड में बंदरों का आक्रोश देखने को मिला। यहां बंदरों का झुंड कहां से आया था इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इन बंदरों के हमले से दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं, जिनका निजी और शासकीय हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। वही मंगलवार को भी दुर्ग के नाना नानी पार्क के पास एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया बंदरों ने। मिली जानकारी के अनुसार महिला के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, लेकिन बंदर ने सिर्फ महिला को ही घायल किया और फरार हो गया। पूरी घटना की पुष्टि दुर्ग जिले के DFO शशि कुमार ने की है। यहां आपको बता दें कि दो दिनों से लगातार राजनांदगांव की टीम कसारीडीह में सर्च कर बंदरों को धरपकड़ करने के लिए कसारीडीह की गलियों में मशक्कत कर रही है। इन बंदरों के झुंड में से सिर्फ दो ही बंदर पकड़ में आए हैं, जिनको मनगट्टा के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद ने मामले की जानकारी दी और घायल हुई महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आपने देखे हैं आज दुर्ग शहर में बंदरों का ऐसा आतंक फैल रहा है, हर दिन मतलब एक दो केस आ रहे हैं, कल तो 5-6 केस आए। कुछ को रायपुर में रिफर किया गया, कुछ जिला अस्पताल में, कुछ को इंजेक्शन लगा करके वापस किया गया। न जाने कैसे कहाँ से बंदर है, या पागल हो गए हैं, क्या हुआ है पता नहीं। वो बंदर बुरी तरीके से लोगों को घायल कर रहे हैं। आज बड़े बड़े लोगों को कर रहे हैं, कल छोटे बच्चे को कर दे तो बच्चा अपने आप को कैसे संभालेगा, या बच्चा छोटी जान होती है वो उसे गर्दन वर्दन गले वाले पकड़ लिया तो बड़ी घटना हो जाएगी। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है नगर निगम अपनी निष्क्रियता और लापरवाही को दिखा रही है। उनको खुद को चल करके आपका वन विभाग से संपर्क करना चाहिए। और मेरे को सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है वहाँ के स्थानीय पार्षद जी की, जो भी हों वो उनकी निष्क्रियता है। जो आज वहाँ पर ऐसे आतंक हो रहे, 8-10 आदमियों को मार दिए, काट रहा है बंदर। आज एक महिला पूर्णिमा पॉल जो कि वो सुभाष नगर में रहती हैं, उनको रास्ते में काटा, मेरे सामने काटे हैं, तो उनको लेकर के मैं आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि नगर निगम और वन विभाग दोनों सक्रिय होकर के इन बंदरों के आतंक से दुर्ग शहर के निवासियों को बचाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।